आईपीएल की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने कई सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोफाइल और कवर समेत सभी फोटो हटा ली है। टीम ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से फोटो हटा ली है। इसकी जानकारी आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को भी नहीं दी गई। साथ ही आरसीबी ने अपना नाम भी बदल कर सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स कर लिया है। इस पर कोहली ने हैरानी जताते हुए मदद की पेशकश की। न्यूजीलैंड दौरे पर गए भारतीय कप्तान विराट ने गुरुवार को ट्वीट किया, पोस्ट हटा ली गई और इसके बारे में कप्तान को कोई जानकारी नहीं दी गई। आरसीबी, यदि आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो मुझे बताएं। आरसीबी ने साल 2008 से अब तक के आईपीएल इतिहास में कोई खिताब नहीं जीता। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी आरसीबी के इस फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि अरे आरसीबी, ये क्या गुगली है, आपकी प्रोफाइल फोटो और इंस्टाग्राम पोस्ट कहां गई? आरसीबी ने मंगलवार को ही मुथूट फिनकॉर्प के साथ स्पॉन्सर के तौर पर 3 साल के लिए करार किया है। इसके तहत खिलाड़ियों की जर्सी पर सामने की तरफ मुथूट का लोगो लगाया जाएगा। घरेलू मैदान पर भी विज्ञापन नजर आएंगे। इस करार के अगले दिन आरसीबी का ये फैसला चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो लोगों के अलावा टीम में भी खास बदलाव हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने दिल्ली डेयरडेविल्स को दिल्ली कैपिटल्स में बदलते देखा है। ऐसे में अगर यहाँ पर आरसीबी का चेंज होता है तो कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन विराट कोहली आरसीबी के इस फैसले से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। एक तरह का सदमा विराट को इस बड़े फैसले से लग चुका है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।